भाई अपना डिस्क का पूरा पूरा सेटअप जो कि अपनी केदार बाइक में फिट होने वाला है। एंड जिस भाइयों के कमेंट आए उनको भाई दिल से शुक्रिया कि भाई आप लोग ऐसे सपोर्ट और प्यार दिखाते रहोगे तो काम अच्छे अच्छे आप लोगों इसी चैनल पे वीडियोस अच्छे अच्छे देखने को मिलते रहेगी। कर रहे हैं भाई, खुश हो या मजाक कर रहे हो? एंड आपको इसका प्राइस वगैरह भी पता लगेगा और कहाँ से परचेस करना वो भी मैं आप लोगों को इसके अंदर। सो हेलो गाइस, चिल करो, फिल करो, जो भी करो मिलके करो। सो गाइस, आई होप कि मेरे सारे भाई बहुत ही बढ़िया होंगे, मैं ही बहुत बढ़िया हूँ। सो दोस्तों, आज की फुल्ली वीडियो होने वाली है भाई अपनी कहने को डिस ब्रेक की, जिसमें कि हम लोग अपने भाई केदार बाइक में फुल्ली फिटिंग करके दिखाने वाले हैं अपनी डिस ब्रेक को, कि मैंने उसके अंदर फुल्ली की फुल्ली कैसे कैसे क्या क्या काम रहने वाला है। तो आप लोगों को इस वीडियो में फुल डिटेल मिलने वाली है, कहाँ से परचेस कर सकते हैं, कहाँ से नहीं, कितने का वो मुझे खर्चा आने वाला है, कितने का नहीं, सब चीज़ें प्रॉपर इस वीडियो में आप लोगों को फुल डिटेल मिलने वाली है। कैसे फिटिंग होगी, कहाँ होगी, किसके पास आना होगा आप लोगों को। तो ऐसी फुल वीडियो को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक भी करो। कहने को मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आज फुल व्लॉग होने वाला है अपने डिस्क ब्रेक का। तो आज हम उसको फिटिंग विटिंग कराने वाले हैं, उसको पेंट वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसके अंदर मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाने वाला हूं। आप लोग फुल व्लॉग को एंजॉय करना और खर्चा वर्चा कितना है सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है जी। बाकी मैं जाने वाला हूं कन्नू भाई की शॉप पर और कन्नू भाई की शॉप से मतलब मैंने क्या किया, कन्नू भाई से मंगवाया वो सारा का सारा सामान। तो वो सामान कैसे रहने वाला, कैसे नहीं, वो सब चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। एंड गाइस, जो भी भाई चैनल पर नए हैं तो वीडियो को बढ़िया सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, जिससे कि आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड अपने भाई के इंस्टाग्राम की आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी आपको सॉरी स्क्रीन पे लिंक भी मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कहने को यही है कि भाई फुल वीडियो में मजा आने वाला है, आज का ब्लॉग काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। पिछली वीडियोस मैंने साइड पे टॉप बॉक्स की डाली है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाओ, क्योंकि भाई कुछ भाइयों ने अभी तक प्यार नहीं दिखाया है। तो आप लोग सपोर्ट और प्यार दिखाओगे जब भी आगे अच्छे अच्छे और भी चीज़ें देखने को मिलती रहेगी। चलिए बाकी बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सीधा मैं जा रहा हूँ कन्नू भाई की शॉप पे, कन्नू भाई की शॉप पे कैसा काम रहता है, कैसे नहीं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, खर्चा वर्चा सब कितना आने वाला है, फुल्ली ब्लॉग को एंजॉय करना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, ये रहने वाला है भाई अपना डिस्क का पूरा सेटअप जो कि अपनी केदार बाइक में फिट होने वाला है। और भाई इसको क्या है कि कन्नू भाई ने फुल्ली मेहनत करी है, हमारे कन्नू भाई हमारे साथ में है। कन्नू भाई एक बार आए कर दो, ठीक है जी। और ये हमारे भाई कौन हो आप? सही विकास भाई हमारे, काफ़ी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हमारे इनके साथ राइड वगैरह भी होगी, छोटी मोटी राइड की इनके साथ प्रिपरेशन चल रही है भाई, कि इनके साथ राइड वगैरह भी करेंगे। करोगे या सिर्फ मजाक है? करेंगे। चलो ठीक है। और बाकी हमारे नूरुद्दीन भाई है, ये अपने इसके अंदर अपनी केदार बाइक में फिटिंग वगैरह करने वाले हैं। तो यही है कि भाई ये है भाई अपनी ग्लैमर बाइक का, जिसमें ही भाई कन्नू भाई इसको ढूंढ डांड के सारा का सारा सेटअप लेके आए हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं शॉकर और व्हील वगैरह। तो इसमें क्या है भाई, इसके भी इसके ऊपर होने वाला पेंट, क्योंकि थोड़ा भाई पुराने पुराने से है, तो कहने को कन्नू भाई ढूंढ डांड के अरेंजमेंट करके लाए मेरे लिए। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को कहाँ से मिलेगा कहाँ से नहीं, मैं आप लोगों को इसकी फुल डिटेल दूंगा भाई बाद में, पूरी पूरी आप लोग वीडियो चेक करना। इसकी भाई अभी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है। ये अपना व्हील है और प्लस इस पर लगी भाई अपनी डिस्क ब्रेक की प्लेट, और ये है अपना मास्टर बैंड, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया क्वालिटी में है। ये ग्लैमर वाली बाइक का निकाल के लाए हुए हैं। तो कहने को कहाँ से मिला कहाँ से वो मैं आप लोगों को बताऊँगा बाद में। और ये अपना एक्सल है इसका, ठीक है जी। एक्सल के साथ साथ यहाँ पर अपने भाई दोनों शॉकर, एक शॉकर ऐसा कुछ है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ दूसरा शॉकर है जिसमें अपने डिस्पैड वगैरह लगेंगे, लेकिन डिस्पैड वगैरह ख़राब है। तो इसमें क्या है, अभी हम लोग जाने वाले हैं सलीम भाई की शॉप पर, पहले इसको फटाफट से अच्छे तरीके से इसे पेंट वगैरह करवाएंगे, क्योंकि इस पर पेंट कराना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा मतलब पुरानी बाइक का ही उतार के ला रखे, और अपनी केदार बाइक में कैसा लगेगा कैसा नहीं, डिस लगने वाली फुल, क्योंकि भाई साइड पहने और टॉप बॉक्स की जब भी मतलब कहने को बहुत सारी चीज़ें कि हम लोग पहाड़ पे कभी भी लेके चलते हैं, अगर मैं नॉर्मल अपने ब्रेक दबाऊंगा तो कहने को भाई वो बाढ़ से अपनी खिसक के आ जाएगी बाइक। तो कहने को यही है हमें डिस्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो डिस्क को हम उसमें लगवाएंगे। और डिस्क से क्या होगा कि भाई कहीं भी ब्रेक अपनी बढ़िया से रुक जाएगी, ठीक है जी, बाइक भी रुक जाएगी, कुछ होगा भी नहीं। तो अपनी डिस्क को हम फिट करेंगे केदार बाइक में, हमारी बाइक में लगाने वाले नूरुद्दीन भाई कन्नू भाई की शॉप पर ही रहते हैं, ठीक है जी। अभी फटाफट से मैं चलता हूँ सलीम भाई की शॉप पर, सलीम भाई की शॉप पर फटाफट से जाते हैं, इसको पेंट वगैरह करा के बढ़िया से फिर लेके आते हैं इसको दोबारा से अपनी कन्नू भाई की शॉप पर। चलिए फटाफट से चलते हैं सलीम भाई की शॉप पर। सो गाइस, फाइनली मैं पहुंच गया हूं भाई सलीम भाई की शॉप पर, जिसमें कि अपनी डिस्क ब्रेक लेके, और ये हो रही है भाई हमारी डिस्क ब्रेक के मतलब कहने को अपनी सारी के सारे जो पेंट होने वाला है। हमारे छोटे छोटे भाई है जो लगे बड़े इसमें काम में, कि इसके फटाफट से इसका वॉश वगैरह करेंगे, जितना भी ऑयल वगैरह इस पर ऊपर लगा पाता वो जितनी भी मिट्टी है ये सारे सारे साफ होने के बाद बढ़िया से इस पर पेंट होएगा। और आप लोगों मैं सलीम भाई से मिलाता हूँ। सलीम भाई क्या हाल है? बढ़िया एकदम। पहले जो हमारी वीडियो आई आपने भी देखी हमारी वीडियो, मतलब काम आप ही ने किया है तो अच्छा लगा, वो बिल्कुल वीडियो में कोई कमी तो नहीं थी?
कोई कमी नहीं ना। और गाइस बाकी यही है कि हमारे सलीम भैया से हमने साइड पे ने और टॉप बॉक्स वगैरह अपने पेंट कराए, और आने वाली जो हमारी अपनी कहने को एक 2007 मॉडल का अपना मॉडल है जो कि भाई उसकी भी चेसिस वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें उसकी पेंट होनी है, तो वो भी काम हम लोग सलीम भाई की शॉप पर ही कराएंगे, जिसमें कि भाई हम लोग 2007 मॉडल को अपना 23 में मॉडल कन्वर्ट करने वाले हैं। तो उसी के साथ साथ अभी हमारा चल रहा भाई केदार बाइक के लिए अपना, इस पर पेंट वगैरह होगा, तो कहने को अभी भाई लोग हमारे छोटे छोटे भाई हैं सारे के सारे फटाफट से इसे साफ़ वगैरह कर रहे हैं ऑयल वॉयल, ठीक है जी। जितने भी मिट्टी वगैरह है इस पर कहने को, ये प्लेट जो है नॉर्मल इस प्लेट का तो कलर यही रहेगा, लेकिन इसका जो साइड का जैसे कि ये वाला कलर है इस पर हमारा होगा भाई सिल्वर कलर, ठीक है। बाकी मैं इस रिम को भी सिल्वर कराने वाला हूँ और शॉकर को भी सिल्वर कराने वाला हूँ भाई। जो इसका जो मेन वाला जो डिस्प्ले वाला पार्ट है इसको कराएंगे हम लोग पूरा का पूरा ब्लैक, जिसमें कि काफ़ी अच्छे लुक इनहेंस करेगा। बाकी फटाफट से भाई लोगों को वॉश करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को भैया बना रहे भी कलर, तो उसके बाद मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ, ठीक है जी। जब तक कुछ शॉट को एंजॉय करते आइए। सो गाइस भाइयों ने फटाफट से इसे धो धा के अच्छे से साफ़ सुथरे कर लिया बढ़िया से, बाकी अब पेंट वगैरह तैयार है फटाफट से, भैया अपने पेंट वगैरह मारने के लिए तैयार है, कुछ अच्छे अच्छे शॉट को एंजॉय करते हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से भाइयों ने फिनिशिंग दी है, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा बढ़िया से कर दिया है। अब फटाफट से इसको कराते हैं हम लोग पेंट, ठीक है जी। ये लो भाई, तो सबसे पहले अपना होगा रिम, फटाफट से कुछ शॉट को एंजॉय करते हैं, फिर मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ, ठीक है जी। सो गाइस फाइनली काम हो गया पूरा पूरा कंप्लीट, जैसे कि भाई सलीम भाई ने अभी पेंट वगैरह कितने बढ़िया तरीके से मारा, आप लोगों ने शॉट को एंजॉय किया होगा, और काम को जिस तरीके से हुआ भाई कि जो मेन पार्ट से जैसे कि अपना डिस्पैड का कैम्बल था और अपना ये हो गया भाई, अपना के लेवर भी फटाफट से भैया ने पेंट वगैरह कर दिया है, और इसके ऊपर ढक्कन भी इसका, और ठीक है नोव का, और ये दोनों के दोनों आप शॉकर भी देख सकते हैं किस तरीके से बढ़िया से फिनिशिंग से पेंट हुआ है सिल्वर कलर का, और अपना अलॉय व्हील चेक करो भाई, काम हुआ है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, और अपनी भाई डिस्प्ले थी वो भी बढ़िया से पेंट वगैरह हो गई है। आप लोगों को काम कैसा लगा है कैसे नहीं भाई, फटाफट से जाओ सलीम भाई की आपके शॉप पे विजिट भी करना है तो सलीम भाई का नंबर मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ, फटाफट से जाओ भाई की शॉप पे विजिट भी कर सकते हो, एड्रेस वगैरह वो आप लोगों को बता देंगे, ठीक है जी। बाकी यही है कि आप फटाफट से मैं चेक कन्नू भाई की शॉप पे जा रहा हूँ, कन्नू भाई की शॉप पे अपने नूरुद्दीन भाई से फटाफट से इसको अपनी केदार बाइक में फिटिंग विटिंग कराते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, फुल्ली ब्लॉग को एंजॉय करा, अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करना। चलिए फटाफट से मिलता हूँ मैं आपको कन्नू भाई की शॉप पर। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया हूँ कन्नू भाई की शॉप पर, जैसे कि अभी आप लोगों ने पेंट वगैरह के कुछ शॉट देखे भाई, पेंट वगैरह करा के बढ़िया से मैं आ गया हूँ, बाकी उसके लुक वगैरह अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, प्लस अपनी केदार बाइक के बारे में बताता हूँ थोड़ा बहुत कि उसके अंदर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रहने वाली है, तो फुल्ली व्लॉग को एंजॉय करना। एंड हमारे साथ में है नूरुद्दीन भाई, ठीक है जी। नूरुद्दीन भाई इसे फटाफट से हमारी अपनी केदार बाइक में डिस्क ब्रेक पूरी पूरी फिटिंग करने वाले हैं, ठीक है जी। और बाकी अभी क्या है कि भाई पहले मैं आप लोगों को पेंट दिखाऊं, पेंट देखो भाई सूखने के बाद कितनी अच्छी इसकी शेडो और मतलब कितनी अच्छे क्रिस्टल टाइप लग रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारा पेंट करा है सलीम भाई ने हमारे, जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ठीक है। मतलब कितने पुराने और कितने आपने अभी पीछे देखा होगा कितने पुराने और सड़े सड़े से हो रहे थे ये, और अभी इस टाइम बिल्कुल बढ़िया से फिनिशिंग से साफ़ सुथरा हो गया अपने अलॉय व्हील और अपने शॉकर और अपने जैसे कि अपना हो गया डिस्पैड का केम्बल, ठीक है जी। और बाकी भाई काम अभी कर रहा है शुरू, तो मैं आप लोगों को इसके अंदर डिटेल दे दूँ कि इसके अंदर अभी क्या क्या खुलने वाला है। तो इसमें खुलने वाला भाई रेस की अपना भाई खुलने वाला है, प्लस इसके भाई अपना जो शीशा है ये खुलेगा, मिनी लाइट इसमें लगी हुई है इसे खोल के हम साइड करेंगे, ब्रेक की तार को हटाने के लिए अपना वाइजर खोलेंगे, प्लस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे है शॉकर और ये है व्हील, तो इस दोनों को फटाफट से खोलने वाला हमारा नूरुद्दीन भाई। ये अपना व्हील लॉक खोलेगा क्योंकि इसकी व्हील की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब डिस्क ब्रेक है तो इसमें डिस्क लॉक लगेगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है जी। काफ़ी बढ़िया तरीके से भाई ने पेंट वगैरह करा है तो बहुत अच्छा लगा। बाकी इसके अंदर जो रिम लाइट लगी हुई है मेरी, वो रिम लाइट भी खुलेगी, तो इसको आप फटाफट से काम को स्टार्ट करते हैं। हमारे नूरुद्दीन भाई रेडी हो भाई फुल, तो काफ़ी ज़्यादा काम बढ़िया होने वाला है, फुल वीडियो को एंजॉय करना। एंड जो जो सामान इसके अंदर लगेगा मैं आप लोगों को वन बाई वन आप लोगों को चेकआउट करूँगा, फुल वीडियो को वॉच करना। एंड आपको इसका प्राइस वगैरह भी पता लगेगा और कहाँ से परचेस करना वो भी मैं आप लोगों को इसके अंदर एंड में बताऊँगा, तो प्लीज़ आप लोग फुल्ली ब्लॉग को एंजॉय करें। एंड जिस भाइयों के कमेंट आए उनको भाई दिल से शुक्रिया कि भाई आप लोग ऐसे सपोर्ट और प्यार दिखाते रहोगे तो काम अच्छे अच्छे आप लोगों को इसी चैनल पे वीडियोस अच्छे अच्छे देखने को मिलती रहेगी। चलिए फटाफट से इसको फिटिंग वगैरह करते हैं, चलो नूरुद्दीन भाई काम वगैरह फटाफट से स्टार्ट कर दो अब।
सो गाइस, बाकी भाई ने फटाफट से सारी की सारी चीज़ें अपनी खोल दी, जिस जैसे जैसे मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई थी, भाई ने सारा खोल खोल के सामान अपना यहाँ पे रख रखा है। ठीक है जी, अब क्या है भाई, इसका पहले ही इसको फिट करने से पहले क्या है कि भाई अपने जो टायर है, भाई फटाफट से इसे फिट करवा के लाएगा कि इसका कोई शॉर्ट नहीं है, फटाफट से इस पर जम कट करते हैं और भाई करवा के ला रहे हैं भाई जल्दी से। ठीक है, तो बाकी ये भाई अपना इस पर टायर जो है इस पर लगवा के आ रहा है। कहने को यही है कि मैं इसके ऊपर ना एक और टायर है जो कि मतलब काफ़ी अच्छे मैंने टायर पसंद करे इसके लिए, लेकिन अभी काम चलाओ के लिए मैं इसमें यही टायर लगा रहा हूँ। दो चार पाँच दिन में, दस दिन में जैसे भी कुछ हिसाब बनेगा तो मैं इसका टायर कुछ हैवी वाले लगवाने वाला हूँ, दोनों के दोनों चेंज करवाने वाला हूँ। बाकी अभी है भाई अपना सेटअप बैठा के चेक वेक कर रहा है कि कैसे क्या क्या रहने वाला है, लेकिन अभी जो है कहने को टायर रिम पे लगवाने जा रहे हैं। दूसरा वाला टायर इस पे लगेगा जो अपना ग्लैमर बाइक का है। ठीक है जी, वो इसके अंदर फिट होने वाला है डिस्क ब्रेक के साथ साथ। तो आप लोगों को डिटेल्स कैसी लग रही है वो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि भाई फास्ट जरूर है लेकिन काम काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है हर एक चीज़ में। आप लोगों को वीडियो में काम हर एक डिटेल अच्छी देखने को मिल रही है। तो बस भाई ने कुछ ऐसे हमारी बाइक्स खोल दी केदार बाइक। ठीक है जी, फटाफट से भाई जा रहे हो भाई। चलो बाकी जब तक छोटा मोटा काम कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कैसे क्या क्या रहने वाला है, फटाफट से अपना टायर जो है उस दूसरे वाले रिम पे लगाते हैं जल्दी से। ठीक है जी, सो गाइस फाइनली मैं लेके आ गया हूँ भाई इसको, मतलब मैं भी नूरुद्दीन भाई के साथ साथ चले गया था। तो कहने को ये है कि भाई रिम के अंदर ना बहुत ज़्यादा लैग भी था, तो कहने को भैया हमारे जिससे मैंने काम करवाया उसमें लैग वगैरह बहुत बढ़िया से निकालने के बाद इसमें टायर अपना लगवा दिया बढ़िया से, और अपना जो पहले वाला रिम है वो ये है। ठीक है जी, और जो इसके ऊपर जो ग्राफिक्स भी हुए ना वो भी इसके ऊपर होंगे, लेकिन अभी नहीं, वो बाद में मैं आप लोगों को डिटेल दूंगा। और इसके अंदर जो भाई हवा भरी जाती है वो उसकी नलकी भी लगाई गई है। इसका जो प्राइस वगैरह है, जो खर्चा है, वो मैं आप लोगों को एंड में सब कुछ बता दूंगा। ठीक है जी, बाकी अभी कुछ ऐसा काम हुआ है। ठीक है जी, और बाकी ये लुक चेक करो भाई क्या लग रही है। बाकी जब तक भाई हमारे शॉकर वगैरह इसके अंदर फिट कर रहा है, काम बताओ काम कैसा लग रहा है, क्योंकि भाई ऐसे काम आप लोगों को ऐसे कन्नू भाई की शॉप पे देखने को मिलता रहेगा और मैं अपने चैनल पे ऐसे ऐसे काम आप लोगों को देता रहूँगा। तो बाकी कहने को ये था भाई रिम में बहुत ज़्यादा लैग था, लैग बहुत बढ़िया तरीके से इसमें से निकाल दिया है। वो अच्छा हुआ कि भाई मैं आगे और भी अच्छे एक ट्रिप वगैरह करने वाला था, तो उससे पहले मैंने ये चीज़ें करवा ली, ज़्यादा अच्छा हुआ गया। और बाकी यहाँ पे अपने शॉकर वगैरह लग रहे हैं, और गाइस फटाफट से अब ये अपने शॉकर वगैरह लगाए जा रहे हैं, दोनों के दोनों शॉकर वगैरह पूरा पूरा फिट करते सारा सेटअप आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या लगने वाला है। प्लस साथ ही साथ यहाँ पे भाई अभी डिस्क का अपना ऑयल भी आ चुका है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ मतलब अभी रिम जो चेंज कराने गए थे वो भी साथ ही साथ हम ये लेके आ गए हैं। और इसके अंदर क्या ये क्या बोलते हैं भाई इसको, मीटर करारी, तो ये मीटर करारी रहने वाले भाई ओमटेक्स की। ठीक है, इसको भी फटाफट से अपना लगाएंगे इसके अंदर। जो जो सामान इसके अंदर एक्स्ट्रा लगेगा, जो चार्ज जो आएगा इसके अंदर, जो खर्चा आएगा वो मैं आप लोगों को इसके अंदर फुल डिटेल दूंगा। बाकी तब तक आप फटाफट से इसे फिट करते हैं, फुल डिटेल देते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या है, कुछ शॉट को एंजॉय करते हैं, मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। ठीक है जी, सो गाइस फाइनली भाई लगा रहा अपने दोनों के दोनों शॉकर, जिसमें कि दोनों शॉकर बढ़िया तरीके से लगा दिए। प्लस अपना जो मरगाड़ था वो भी बढ़िया तरीके से लग चुका है, और यहाँ पे जो के लीवर है वो भी बढ़िया तरीके से लग गया। इसकी जो तार थी ना के लीवर की, जो अपना पंप करेगा, जो अपने डिस्क ब्रेक में अपना पंप बनाएगा, वो इसकी तार जा रही है यहाँ पे। तो भाई ने बढ़िया तरीके से काम कर दिया है। फाइनली अब यहाँ पे हो रहा है कि भाई अपने टायर में जो अपनी डिस्क ब्रेक की प्लेट है वो कसी जा रही है, इसको ही फटाफट से कसते हैं, फिर मैं आप लोगों को आगे का काम दिखाता हूँ कि काम कैसे लग रहा है। काम अगर अच्छा लग रहा है तो एक वीडियो को बढ़िया से लाइक जरूर करना, क्योंकि भाई ऐसे ही काम आप लोगों को देखने को मिलता रहता है। तो गाइस अब बताओ कि आपको ये काम कैसा लग रहा है, क्योंकि भाई अपनी केदार बाइक में डिस्क ब्रेक लग रही है इसलिए, क्योंकि भाई अगर हम लोग आगे अच्छे अच्छे राइड वगैरह करेंगे तो भाई आगे दिक्कत कोई ना आए, क्योंकि भाई आगे पहाड़ वगैरह पे अपनी नॉर्मल ब्रेक वगैरह काम कर नहीं पाती है, तो अपनी डिस्क ब्रेक की काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है और अच्छी पकड़ भी रहती है अपने पहाड़ वगैरह के लिए। तो भाई डिस्क ब्रेक का इसलिए मैंने डिस्क ब्रेक अपनी केदार बाइक में लगवा रहा हूँ। तो भाई इसका जो प्राइस वगैरह होगा वो सब चीज़ें बताऊँगा, और आप लोगों को ये वीडियो अगर पूरी देख रहे हो तो एक कमेंट में जरूर बता देना कि भाई आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है, एंड अपनी फटाफट से लग रही है भाई इसके अंदर डिस्क ब्रेक की अपनी प्लेट। तो फटाफट से इसे काम को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे आप लोगों को डिटेल देता हूँ मैं आगे कैसा काम रहा है कैसा नहीं। ठीक है जी, क्लोज योर आईज।